हर तरफ इन दिनों आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र की धूम है और देश भर में इस महोत्सव के अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और मंदिरों में नवरात्र के लिए पूजा और आरती की विशेष तैयारियां की गई हैं। माता के जयकारे से इन दिनों मंदिरों व उसके आसपास का पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है। नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर खासकर कोलकाता शहर में कुछ अलग ही रौनक दिखती है। यहाँ के विशेष पूजा पंडालों, दुर्गा मूर्तियों और रंगीन रोशनियों से जगमग मंदिरों के आकर्षण को देखने के लिए लोग दुनिया भर से इस दौरान कोलकाता पहुँचते हैं। I'm really looking forward to experience all 4 days and we're going in the morning because there's not so much traffic and we're going in the night and to experience all the beautiful pandals with the light. नवरात्र महोत्सव की बात की जाए और गुजरात के डांडिया का जिक्र न हो ऐसा संभव नहीं है। गुजरात में जगह जगह आयोजित डांडिया और गरबा नृत्य बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करते हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों में सजे लोग डांडिया और गरबे की धुन में डूबकर नवरात्र को अपने अलग अंदाज में ही मना रहे हैं। Seen something like this for the first time. I think the most unique thing about this is that how people of different, you know, cities and culture come together and celebrate. It's really nice because you get to see a lot of culture and colors here. यहाँ पे जो गरबे गाए जाते हैं, वो traditionally गुजरात का जो एक शान है, माँ की उपासना के लिए जो किया जाता है, वही है। वो जो disco dance या वगैरह जो होता है, यहाँ पे कुछ disco कुछ नहीं है, जो भी कुछ है, original है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त पूरे 9 दिन व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। पूरे नवरात्र अखंड दीप जलाकर माँ की स्तुति की जाती है और उपवास रखा जाता है। आदि शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराकर यथेष्ट दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।